मैं जयकारा बोलूंगा तो सभी ने उसका जवाब देना है बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हाँ तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है जिन्होंने ये कबड्डी के जो मैच है अपनी दिन रात मेहनत के बाद ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी ऑर्गेनाइजर का, उन बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत ही खुशी है कि इस कमेटी ने मुझे जो गेम्स जहां पर कबड्डी के चल रहे हैं वहां आने का निमंत्रण दिया, फिर मैं दोबारा उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरा निजी अनुभव यही है कि हमारे दो मंदिर हैं, एक तो मंदिर होता है जिसमें भगवान विराजते हैं, दूसरा मंदिर है भगवान का घर, ये जो खेल का मैदान है जहां पर ना कोई जाति है ना पाती है, ना छोटा है ना बड़ा है, हम सब भाई हैं। चाहे जो कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हम सब भारतवासी हैं और भाई हैं। इसीलिए अगर आपने अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखना है तो गेम कोई भी हो, मैं नौजवान, खासकर जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान बच्चे हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो गेम्स है, जो खिलाड़ी हैं, जो खेल है, उसको जरूर अपनाएं और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करके गेम को खेल के आप किसी भी सर्विस में जा सकते हैं, चाहे बेल्ट फोर्स हो, चाहे कोई भी, क्योंकि वहां भी फिजिकली होना बहुत जरूरी है। तो मैं आने वाले मेरे जो इस देश के रक्षक हैं, नौजवान हैं, उनसे मेरी यही विनती है कि आप नशे से दूर रहें तो वही आपकी जिंदगी सफल है और आपका इस संसार में आना सफल है। मेरी यही एक विनती है सभी से, मेरे पूजनीय जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मेरी पुनः प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, दूध दही मक्खन खिलाएं और इनका हौसला बुझाई भी करें, और ये जब हष्ट पुष्ट होंगे तो समझो आपका घर भी हष्ट पुष्ट हो जाएगा, आपका देश, आपका गांव, और कोई भी बच्चा अगर आपका जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा तो आपके इस इलाके का नाम रोशन होगा कि हमारा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल रहा है, तो कितना आनंद अनुभव होगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरी फिर सभी से यही विनती है कि जहाँ जो खेल है वो एक भाईचारा है हमारा, आपस में हम मिलते हैं। तो देखो जम्मू कश्मीर से पता नहीं किस किस इलाके से जहाँ पर टीमें आई है तो आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, और कभी भी आपको कोई जरूरत पड़े कठुआ जाने की तो आपका किसी खिलाड़ी से, किसी भाई से कोई प्रेम होगा तो आप उसके पास जा सकते हैं, और अपना कोई भी काम है वो बड़े श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। तो फिर मेरी सभी से यही विनती है कि जो खेल है वो एक भगवान का घर है, खेल को खेल रहा है भाइयों की तरह, हार जीत तो चली रहती है, हार
तो एक ने तो जीतना है, एक ने तो हारना है। तो मैं आपको बताऊं, दो साल पहले एक वॉलीबॉल का आयोजन किया किले के अंदर, तो हमारे दिल्ली से भी टीमें आई, पंजाब से भी। तो मैंने ऐसा किया कि जो भी टीम हारती थी मैं उसको भी पैसे देता था। जितनी भी टीमें हारी, जीतने वाले को तो मिलेगा ही, लेकिन मैं हारने वाले को भी उनका पूरा किराया, उनका खर्चा, उनका आने जाने का मैंने सभी को दिया। क्योंकि जो जीतने वाला तो जीतता है, तो हारने वाला भी एक पॉइंट से हारता है तो सभी बराबर हैं। तो मेरी फिर सभी से यही विनती है कि आप ऐसे ही आयोजन किया करें, और भाई हमारी जरूरत पड़े किसी भी किस्म की, तन से मन से धन से, मैं सदा आपके लिए हाजिर हूं। किसी भी जरूरत की पड़े आप मुझे बोल देना कि महाराज बाबा जी हमें पैसों की जरूरत है, किसी भी जरूरत हो तो मुझे आप फोन ही कर देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम शांति शांति ओम।